व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं बहुत ही कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी मोबाइल की डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। और यहां पर गाइस काफी लोग कमेंट करेंगे कि भाई मेरा रियलमी C2 है, मेरा ये है, मेरा वो मोबाइल है। तो ऐसे में गाइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ गाइस, आपका कोई भी मोबाइल हो, चाहे उस मोबाइल पर फिंगरप्रिंट सेंसर हो या ना हो, तब भी गाइस ये जो एप्लीकेशन है ना, वो पूरा का पूरा काम करेगा। और खुद मैं इस एप्लीकेशन को यूज भी कर चुका हूँ, तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही एप्लीकेशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस एप्लीकेशन की सेटिंग कर सकते हो। तो वीडियो में गाइस काफी मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, और यहाँ से गाइज आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। काफी नॉर्मल एप्लीकेशन है लेकिन रिजल्ट काफी अच्छा है गाइज इसका। ऐप लॉक रियल फिंगरप्रिंट नाम से ही गाइज ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो जाकर आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद गाइज जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, तो सबसे पहले चलिए ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर गाइज कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। यहाँ भी गाइज नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्रिएट पिन एंड क्रिएट पैटर्न, इनमें से गाइज आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे पिन क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नाम से मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से कंफर्म करना है आपको और डन बटन पर क्लिक कर देना है। पिन सेव हो चुका है, देख सकते हो। इसके बाद गाइज अगले पेज पर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है कि किस ईमेल आईडी से आप इस एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइज आपने जो इस एप्लीकेशन पर पिन क्रिएट किया था, अगर आप गलती से भी उसे भूल जाते हैं, तो इसके लिए गाइज आपको एक रिकवरी ईमेल और साथ ही गाइज आपको रिकवरी क्वेश्चन भी ऐड करना होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं डाल देता हूँ व्हाट इज योर नेम। इसके बाद नीचे आपको अपना इस सवाल का आंसर देना है, तो चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। और गाइज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये एप्लीकेशन काफी अच्छा वर्क कर रहा है। तो आपको चलिए आगे बढ़ने पर नीचे सेव बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइज अब आता है अगला स्टेप। तो यहाँ पे गाइज आपको नीचे आप गो टू सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को अलाउ कर देना है हर जगह से। तो यहाँ पर गाइज कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन को ढूंढना है। तो यहाँ पर मेरा दूसरे नंबर पर है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से अलाउ कर देना है। यहाँ पर गाइज आपको दो बार अलाउ करना है, सबसे पहले तो एक बार तो हो ही चुका, अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से ये आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए बैक आते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर फिर से गाइज देख सकते हो आपको फिर से भेजा जाएगा अगले पेज पर। तो यहाँ पर भी आपको अलाउ करना है और बैक आ जाना है। उसके बाद गाइज कुछ और भी एक्स्ट्रा परमिशंस देनी होंगी, तो यहाँ पे चलिए अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद इस एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस तरीके से खुलता है। तो यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे गाइज आप सभी एप्लीकेशन जो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहाँ पर इस पेज पर शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो गाइज आपको ये एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन पर आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं WhatsApp को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगला जो है मैं YouTube को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने ये केवल ये दो एप्लीकेशन सिलेक्ट किए हैं, आप चाहो तो इनमें से सभी एप्लीकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हो और चाहो तो अपने मनपसंद एप्लीकेशन पर भी लॉक लगा सकते हो। तो इसके बाद गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉर्नर में गाइज आपको 3 lines का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइज आपका ये ऑप्शन ऑफ होगा गाइज, अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ऑप्शन आपका ऑफ रहा होगा। तो आपको सबसे पहले तो इसे ऑन करता है, जैसे ही गाइज ऑन करना है तो जिन मोबाइल्स में गाइज फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है वो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा ऑटोमेटिकली। गाइज स्क्रीन पर आपको रोल आउट करके अपना फिंगर देना है और ये एप्लीकेशन काफी अच्छा काम करेगा। लेकिन गाइज फिलहाल आपको कुछ इस तरीके से प्रोसेस करना है और आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप पर कुछ इस तरीके से क्या काम करता है ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पर गाइज जैसे ही मैंने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन किया, देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ चुका है। तो अब गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे गाइज जो आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर दिख रहा है गाइज, आपको इस पर अपना फिंगर देना है। तो चलिए मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज अनलॉक हो चुका है। और इस तरीके से गाइज इस एप्लीकेशन को आप अच्छे से यूज कर सकते हो। केवल और केवल गाइज अगर ये एप्लीकेशन किसी तरीके से आपके फिंगर को नहीं मानता है, तो आपको सबसे पहले तो अपना फिंगर साफ करना है और दोबारा से ट्राई करना है। अगर फिर भी नहीं गाइज मानता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाना है
और अपने मोबाइल का नाम लिखकर हमें कमेंट करके भेज देना है, ताकि मैं जान सकूं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं। अगर गाइज आपको इस एप्लीकेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो वीडियो को गाइज एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही वीडियो में कमेंट करना नाइस ऐप 2021। इससे गाइज मैं समझ जाऊंगा कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, ताकि आने वाले नए नए वीडियोस आपको मिल सकें। चलिए गाइज मैं मिलता हूँ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।